हेलो दोस्तों, आप सभी का एक और नए वीडियो में स्वागत है। आर वी एन एल, जहाँ देखो जहाँ आर वी एन एल का नाम चल रहा है, आखिर ऐसा हुआ क्या इसमें? हम आगे ये बात करें, टारगेट क्या होने वाले, लॉन्ग टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए क्या करना चाहिए, फ्यूचर कैसा है इसका, और क्या ऐसी तेजी इसमें देखने को मिलेगी आने वाले टाइम के लिए, या गिरावट भी हो सकती है। और सबसे बड़ी बात है कि बजट के बाद क्या होगा। देखो, एक बात बिल्कुल आप नोटिस कर सकते हो, अगर आपके पास स्टॉक अवेलेबल है तो मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि बजट के आसपास, इसमें बजट के बाद 1-2 दिन के अंदर गिरावट बिल्कुल होगी। इसमें गिरावट ऐसी होगी जो आप सोच भी नहीं सकते कितनी बड़ी गिरावट हो सकती है। लेकिन एक तरह मान सकते हो आप, कुछ परसेंट की हल्की फुल्की आपको गिरावट देखने मिलेगी, लेकिन उस गिरावट में क्या कर। देखो, उम्मीद है कि गिरावट होगी, उस गिरावट में आप बिल्कुल एग्जिट मत करना। अगर इन्वेस्ट किया है आपने तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। जैसे कि IRFC गया ना, सेम ऐसे ही स्टॉक ट्रेड करेगा आने वाले टाइम के लिए। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, स्टॉक काफ़ी बढ़िया है, फंडामेंटल मार्केट के, फाइनेंशियल, बिजनेस, रिटर्न, ग्रोथ काफ़ी अच्छी है स्टॉक की। और एक और बात खास है इसके लिए, बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं इसको, मुझे उम्मीद है ऑर्डर मिल रहे हैं ना, ऑर्डर का असर काफ़ी बड़ा पड़ रहा है इसके ऊपर। पिछले लास्ट स्टडीज में बात करूँगा मैं, स्टॉक सब सारे स्टॉक डाउन गए, सारे के सारे डाउन गए, लेकिन RVNL में आपको 40-30 रुपये 35 रुपये के आसपास का उछाल देखने को मिला है। अगर मैं ओपनिंग की बात करता हूँ, 5.75 के आसपास की ओपनिंग है, स्टॉक ने हाई बनाया लगभग, कितना सोचो आप, कितना, लगभग 60 रुपये के आसपास का आपको उछाल देखने को मिला एक दिन के अंदर, 10% के आसपास का। तो एक तरह से मैं बात करूँ, 637 के आसपास का हाई बनाया, फिर गिरावट हुई है, हल्की फुल्की गिरावट देखी, लेकिन पिछले वीक में इसने अपना 52 वे का रिकॉर्ड बनाया है। 5 डे की बात करूँगा मैं तो गिरावट हुई है, एक मंथ की बात करूँगा 200 रुपये के आसपास का उछाल देखने को मिला है। कभी सोचा आपने कि रेलवे सेक्टर में 200 रुपये का उछाल देखने को मिला है 2-3 दिन के अंदर? नहीं सोचा था, लेकिन बिल्कुल हुआ है। 6 मंथ की बात करूंगा मैं, 350 रुपये, अपने आप पे काफ़ी बड़ी बात है कि एक स्टॉक 300 रुपये 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था, लेकिन अचानक से 600 साढ़े 600 रुपये आसपास गया, लेकिन बिल्कुल हुआ है। क्या रीज़न है? ऑर्डर मिल रहे हैं, बड़े बड़े ऑर्डर मिल रहे हैं। तो एक बात कन्फर्म है कि इन्वेस्ट किया है आपने तो लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करो, और अगर आप एग्जिट कर रहे हो तो एक बार सोच समझ के एग्जिट करना आप।